जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में थे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेश ने ऐसी हरकत की है जो आपको भी गुस्सा दिला देगी। बांग्लादेश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश भारत को बदनाम कर रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। बांग्लादेश ने अचानक ऐसे कई कदम उठाए हैं जो सीधे सीधे भारत का अपमान है। बांग्लादेश की चार हरकतों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। यह सब देखकर आपका खून खोल जाएगा। सबसे पहले तो बांग्लादेश ने अपने देश में आई भयंकर बाढ़ का झूठा आरोप भारत पर लगा दिया है। बांग्लादेश में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत ने त्रिपुरा में दम्बू बांध का दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, लेकिन यह सफेद झूठ है। खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस झूठी खबर का खंडन कर दिया है। इसके बाद एक और खबर आई जो आपको गुस्सा दिला देगी। बांग्लादेश में कुख्यात चरमपंथी उपदेशक जाकिर नायक के पीस टीवी का प्रसारण दोबारा शुरू हो सकता है। इसका ऐलान खुद भगोड़े जाकिर नायक ने किया है। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद तो बांग्लादेश ने शेख हसीना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। शेख हसीना 5 अगस्त से भारत की शरण में है, मगर अब बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। बीएनपी का कहना है कि भारत शेख हसीना को तुरंत बांग्लादेश के हवाले कर दे। इसके लिए बीएनपी ने उस प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है जो भारत और बांग्लादेश ने साइन की है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के देश में मौजूद अपराधियों का प्रत्यर्पण करते हैं। बीएनपी का कहना है कि शेख हसीना एक अपराधी है, उन पर बांग्लादेश में मामला चल रहा है, इसीलिए भारत तुरंत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दे। भारत पर दबाव बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई नेताओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। यह कदम उठाने के बाद बांग्लादेश ने इससे भी बड़ा फैसला ले लिया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार ने ऐलान किया है कि वह तीस्ता जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएंगे। यह ऐसा ऐलान है जो भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद चल रहा है, मगर पीएम मोदी और शेख हसीना इस विवाद को सुलझाने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया। 404 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है, उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में जाती है। दशकों से बांग्लादेश का कहना है कि वह तीस्ता के 50% पानी पर अधिकार चाहता है, जबकि तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में है। बांग्लादेश का यह भी कहना था कि वह अपने हिस्से की तीस्ता नदी पर बांध बनाना चाहता है। पिछले कई सालों से चीन बांग्लादेश पर दबाव बना रहा था कि बांध बनाने का ठेका उसे दे दिया जाए, लेकिन भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद शेख हसीना ने फैसला किया कि बांध भारत बनाएगा, ना कि चीन। भारत का डर जायज था, क्योंकि बांग्लादेश के जिस इलाके में यह बांध बनना है वह जगह नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 93 किलोमीटर दूर है। यानी बांग्लादेश का यह बांध भारत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पास है, इसीलिए बड़ा कदम उठाते हुए शेख हसीना ने फैसला ले लिया था कि यह बांध भारत ही बनाएगा। मगर शेख हसीना की सरकार जाते ही मोहम्मद यूनुस ने बड़ा खेल कर दिया। मोहम्मद यूनुस अब तीस्ता विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि अब इस पूरे बवाल में अमेरिका की एंट्री हो जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के प्यादे हैं।